हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ में ज्वार का भरवा परांठा या फिर ज्वार का स्टफ परांठा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो चलो हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम थोड़ा सा मेथी ले लेंगे, थोड़ा सा धनिया पत्ती, बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची लेंगे और हम थोड़ी सी गाजर को, ऑरेंज वाली गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। उसके बाद में मैं यहाँ पे 1 कटोरी ज्वार का आटा ले रही हूँ। ये आपको आसानी से किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैं पूरा भर के 1 कटोरी ज्वार का आटा ले लूँगी। इसके अलावा हम थोड़ा सा बारीक बारीक प्याज भी इसके अंदर डालेंगे। इसको अब आप किसी एक बड़ी सी परात के अंदर डाल लो। अब हम इस ज्वार के आटे के अंदर जो भी वेजिटेबल्स हैं वो सब डाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने जो मेथी है उसको धो लिया था। धोने के बाद में हमने उसको पत्ते अलग कर लिए और उसे बारीक बारीक काट लिया। और उसके बाद में हम इसके अंदर डालेंगे बारीक बारीक कटा हुआ प्याज। मैंने यहाँ पे एक प्याज लिया है। उसके बाद में हम इसके अंदर गाजर को डाल लेंगे। जो गाजर है उसको हमने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस किया है। यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज कलर का गाजर लिया है। उसके बाद में हम इसके अंदर धनिया पत्ती को डालेंगे। धनिया पत्ती डालने के बाद में हम इसके अंदर बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे। अब हमने यहाँ पे एक तरफ पानी गरम कर लिया था। इसके अंदर पानी जितना यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है उतना गरम करना है। मतलब कि जो पानी है उसके अंदर थोड़े थोड़े बुलबुले आने लगेंगे, तब आप उसको बंद कर देना। इस आटे को हम हाथ से नहीं गूंदेंगे स्टार्टिंग में, क्योंकि जो पानी है वो गरम है। तो अब हम इसके अंदर पहले नमक डाल लेंगे। नमक आप स्वाद के अनुसार डाल लो। नमक डालने के बाद हम इसमें एकदम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और हम इसके अंदर जीरा डालेंगे। जीरा आप इसके अंदर डालना स्किप मत करना, जीरा इसके अंदर बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। जीरा डालने के बाद में अब हम इसको गूंदना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक चम्मच लेंगे और हम उस चम्मच से इन सबको ऐसे मिक्स कर लेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ा थोड़ा पानी लेंगे और उसके बाद एक स्पून लेंगे। उससे जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ उस तरह से आपको ये आटा लगा लेना है। ज्वार की रोटी खाने के बहुत से फायदे होते हैं। इसमें फाइबर होता है जो पेट साफ रखने में हेल्प करता है। ये ग्लूटेन फ्री भी होता है, जिसके कारण ग्लूटेन एलर्जी वाले लोग भी इसको खा सकते हैं। ज्वार की रोटी का ग्लाइकेमिक इंडेक्स भी लो होता है, इसलिए डायबिटीज वालों के लिए भी ये बहुत सही रहती है। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस जैसे मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओवरऑल ज्वार की रोटी खाना सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है। ज्वार की रोटी वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि ज्वार की रोटी को डाइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए इसे खाने से आपको बहुत जल्दी भूख नहीं लगेगी। इसके अलावा ज्वार का सेवन करने से आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है, क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ज्वार की रोटी में कार्बोहाइड्रेट काफ़ी कम होता है, इसलिए वेट लॉस के लिए भी ये एक बहुत ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है। इसके अलावा ज्वार की रोटी खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कंट्रोल में रहता है, जिससे आपको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से बचने में मदद मिलती है। और हाँ, ज्वार की रोटी बनाने का तरीका भी काफ़ी सिंपल है और आप इसे घर पर भी आसानी से बना सकते हो। बस आपको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स पता होने चाहिए, जो कि मैं आज आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करूंगी। इसीलिए ये वीडियो भी थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि मैं इसके अंदर एडिटिंग बहुत कम कर रही हूँ। मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाना चाहती हूँ कि इसको आटा कैसे लगाया जाता है, ताकि फिर जब आप इसे लगाओ तो आपको किसी भी पॉइंट पे कुछ प्रॉब्लम नहीं आए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो देख के देख सको कि इसमें इतना टाइम लगता है और कहाँ कहाँ पे कितना कितना पानी डालना है और कैसे इस आटे को लगाना है, क्योंकि इस आटे को लगाना थोड़ा सा ट्रिकी तो है ही। ये आटा ना पूरा एकदम से ऐसे बाइंड नहीं होता है, ऐसे थोड़ा सा अलग अलग ही रहता है। अगर आप सोचोगे कि ऐसे पूरा एकदम अपने नॉर्मल गेहूं के आटे की तरह पूरा बाइंड हो जाए, वैसा ये नहीं होता। इस तरह से ये अलग अलग रहता है। आटे को गूंदने के बाद में अब हम इसका ज्वार का परांठा बेलेंगे। इस परांठे को बेलने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा जो आटा है वो अपने हाथ में ले लो। अपने हाथ में लेने के बाद में आप इसका राउंड राउंड करके एक गोल बना लेना, गोला।
अब जो सूखा आटा है वो थोड़ा सा आप अपने चकले पे डालोगे। जो सूखा आटा है वो भी हमने यहाँ पे ज्वार का ही लिया है। उसके बाद में इस तरह से आप अपने राइट हैंड से इसको गोल 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 घुमाओगे, और जो आपका जो लेफ्ट हैंड है उससे आप इसे ऐसे शेप देते जाओगे। ये जो प्रोसेस मैं आपको दिखा रही हूँ वो आप यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे जो ज्वार के परांठे बना रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पतले पतले परांठे बना रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़े से मोटे मोटे परांठे खाते हो तो आप इसे मोटा भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है कि आपको उसकी थिकनेस कितनी रखनी है। अब हम ज्वार के भरवा परांठे को तवे के ऊपर डाल देंगे। तवे के ऊपर डालने के बाद में जो हमने इसका ऊपर का साइड है उसके ऊपर हमने थोड़ा सा पानी लगाया है, क्योंकि इसको बेलते वक्त आपने देखा कि हमने ज्वार का सूखा आटा यूज किया है, तो इस कारण से अगर हम इसको बिना पानी लगाए पलटेंगे तो ये नीचे की साइड से सूखे आटे के कारण पूरा का पूरा तवा और परांठा जल जाएगा। तो इसके लिए हमने ऊपर की साइड में यहाँ पे पानी लगाया था, और पानी लगाने के बाद में हम इसको दोनों साइड से पलट पलट के सेक लेंगे। अब वो आपकी मर्जी है कि आपको इसको इस टाइम पे घी लगा के दोनों साइड से सेकना है या आपको बिना घी के सेकना है, वो आपकी मर्जी है, या आपको इसको सेकने के बाद में फिर उसके ऊपर से आपको घी लगाना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं इसको यहाँ पे बिना घी के सेक रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसे इस टाइम पे घी लगा के इसको एज ए परांठे की तरह सेक सकते हो। तो फ्रेंड्स, हमारा ज्वार का भरवा पराठा बिल्कुल रेडी है। इसके अंदर आपकी बिल्कुल मर्जी है कि आपको कौन सी वेजिटेबल्स डालनी है। जो मैंने आपको वेजिटेबल्स डाल के दिखाई है वो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, और इसका फ्लेवर ज्वार के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप ये वाला फ्लेवर तो जरूर ट्राई करना, मेथी वाला, गाजर वाला, अनियन वाला, हरी मिर्ची वाला। उसके अलावा जो आपको वेजिटेबल्स पसंद है वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ज्वार की रोटी बनानी आ गई है तो आपको ये वीडियो आगे कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे नहीं बन रही है तो अब इस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया है कि जो हमारे पास में ज्वार का जो आटा वो वाला था उसके अंदर हमने बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 टीस्पून हमने उसके अंदर में गेहूं का आटा मिला दिया, और उसके बाद में जो हमने ये वाला जो रोटी है वो उससे हमने बेला है और हमने उसके उससे इसको सेका है। तो देखो ये कितना इजीली बन रहा है, एकदम बहुत ज़्यादा इजीली ये ऐसे मूव हो रहा है, और इसको सेकना वगैरह सब मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अगर आपसे प्रॉपर ज्वार का नहीं बन रहा है तो ये वाला भी एक बहुत ज़्यादा ईजी ऑप्शन है।